मेरे जीवन निर्माता, सत्मार्ग दाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आर फॉर रिलीजन, रिलीजन फॉर रिजल्ट। रिलीजन को रिलीजन क्यों कहा जाता है, इस बात को समझने के लिए बहुत सी बातें हैं। हम चुनिंदा चुनिंदा बातों को लेते हुए हम अपनी आत्म यात्रा कर रहे हैं। ये हमारी आत्म यात्रा है, अध्यात्म यात्रा कहिए, आत्म यात्रा कहिए, या आत्मा के माध्यम से परमात्मा की साधना कहिए, या जिनेन्द्र देव भगवान की आराधना कहिए, एक ही बात है। जिस जवानी में किसी का सहयोगी बनना था, जिस जवानी में किसी का हाथ थामना था, जिस जवानी में किसी के आंसू पूछने थे, जिस जवानी में किसी को संभालना था, उसी जवानी का उपयोग हम किसी को बर्बाद करने में, मारने में, काटने में या बांटने में लगा देते। अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा विध्वंस में लगा देते हैं, विनाश में लगा देते हैं। ये जो एनर्जी मिली है, ये पुण्य का प्रभाव है, ये विशिष्ट पुण्य है जो आपको एनर्जी मिली है, ऊर्जा मिली है। इस एनर्जी का उपयोग किसी असहाय की सहायता करने में लगाते हो, किसी रोते हुए को हंसाने में लगाते हो, किसी उजड़े को बसाने में लगाते हो, किसी भूखे का पेट भरने में लगाते हो, किसी प्यासे की प्यास बुझाने में लगाते हो, किसी रोगी को निरोगी करने में लगाते हो, ये अर्जित पुण्य है। आपने विशिष्ट पुण्य से अर्जित पुण्य, यानी विशुद्ध पुण्य, जो जिस पुण्य में कोई मिलावट नहीं है, जिस पुण्य में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम मिलावट कह सकें, विशुद्ध पुण्य है ये। पुण्य से पुण्य की उपार्जना करना, अपनी शक्तियों को किसी की शक्ति बनाना, अपनी ताकत को किसी की ताकत बनाना, ये जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। जीवो और जीने दो, महावीर स्वामी का दिव्य संदेश, जीवो और जीने दो। इसका मतलब क्या है? खुद भी जियो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है, इसका एक गहरा अर्थ है। जिस तरह आप जीना चाहते हो, हाँ, जिस ढंग से आप जीना चाहते हो, उसी ढंग से दूसरों को भी जीने दो। इसका मतलब यह है, यह नहीं कि कोई दुखी जी रहा है तो उसको दुखी जीने दो, जो भूखा मर रहा है तो भूखा ही मरने दो, क्या कर लेना भैया, जैसे वो मर रहा है ऐसे और मरो, हमने अपनी सोचनी है। नो नो नो, भगवान महावीर के इसी संदेश को यहां समझना है। अगर हमारे जैन बंधुओं ने, अगर महावीर के श्रावक और श्राविकाओं ने, समाज ने, भगवान महावीर के उपासकों ने अगर इस संदेश के हार्ट को अगर समझा होता, तो हमारी समाज में जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है,
वो कभी भी नहीं होता। आज भी हमारे समाज के कई भाई बहन रूखी रोटियां खाने को मजबूर हैं, गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं, बच्चे भटकने को मजबूर हैं, अपनी इज्जत आबरू बेचकर अपने पेट अपने परिवार को पालने को मजबूर हैं। महावीर का यह तो संदेश नहीं था, महावीर का तो यह संदेश था जिस तरह तुम शान से जी रहे हो उसी प्रकार अपने साथ धर्मियों को भी शान आन बान शान की जिंदगी देनी चाहिए। यह आपका फर्ज था। हमने नारे बहुत लगाए हैं, जयकारे बहुत लगाए हैं, लेकिन उन जयकारों के हार्द को उनकी गहराई को हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। घर में कई घर में बहू घुट घुट के जी रही है, कई घर में सास घुट घुट के जी रही है, कई घर में भाई घुट घुट के जी रहे हैं और समाई कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, चल रहा है मामला, लेकिन ये धर्म का संदेश नहीं है, ये जैनत्व की साधना नहीं है। मेरे माध्यम से कोई घुट रहा है, घुटन हो रही है, मैं किसी को अगर जलील कर रहा हूं, मैं अगर किसी को पीड़ित या प्रताड़ित कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी आध्यात्मिकता निशाने पर आ जाएगी। आप गौर करना, महावीर के मानने वालों की समाज में इतना असंतुलन क्यों? इसलिए कि हम अपने विशिष्ट पुण्य का फल खुद भोगना चाहते हैं, हम उस पुण्य को किसी में बांटना नहीं चाहते। हाँ, मैं मेरी थाली में जितना पकवान है उसका भक्षण मैं ही करूं, उसका स्वाद मैं ही लेऊं, कोई और ना ले, कोई और मेरी थाली की तरफ नजर ना डाले। जबकि हमारे जैनत्व श्रावकों की एक साधना है, जिस वक्त श्रावक खाने के लिए बैठे उस वक्त भी ये भावना भावे कि कोई संत मुनिराज आवे, कोई अतिथि आवे जिनको मैं बांट करके खाऊं। ये संदेश है हमारी साधना का, ये संदेश है हमारी आराधना का, लेकिन भूल गए हम इस साधना का। कहीं ना कहीं क्यों इंबैलेंस हो रही है हमारी सोसाइटी, हमारी समाज? ये तभी हो रही है कि हम अपने पुण्य का फल खुद पाना चाहते हैं, इस पुण्य में किसी को सहभागी बनाना नहीं चाहते। इसकी गहराई को समझने के लिए आज विशिष्ट पुण्य को विशुद्ध पुण्य में बदलने के अनुभवियों ने पांच नुस्खे बतलाए हैं, पांच तरीके बतलाए हैं। ये मैं आप तक ले जाना चाहता हूं, और ये तरीके कोई छोटे मोटे चीज नहीं है। इसको हम कह सकते हैं एंट्रेंस ऑफ रिलीजन या गेटवे ऑफ रिलीजन, ये धर्म का द्वार है। एंट्रेंस ऑफ रिलीजन, धर्म में प्रवेश करने का तरीका है ये। हम धर्म में किस तरह प्रवेश कर सकते हैं, किस तरह एंट्रेंस ले सकते हैं, किस तरह हम एंटर हो सकते हैं धर्म में, एंट्रेंस ऑफ रिलीजन, ये पांच सूत्र हैं। गौर करना, इन सूत्रों को, इन पद्धतियों को हम कहीं फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ईमानदारी से कबूल करना कि मैं धर्म करता हूं, धर्म को मानता नहीं हूं, मैंने धर्म को महज एक क्रिया कांड में बदल दिया है, उसे मैंने अपने आचार का हिस्सा नहीं बनाया है। सबसे पहला भेद बतला रहा हूं, संवेदनशीलता। गौर करो, संवेदनशीलता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या बोले, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हार्ट लिविंग,
बहुत प्यारा शब्द है इंग्लिश में इसका, क्या शब्द बोला मैंने, हार्ट लिविंग नॉट माइंड लिविंग। माइंड लिविंग नहीं है ये क्या है, हार्ट लिविंग। हार्ट लिविंग यानी अपने दिल में रहना, अपने हृदय में रहना, अपनी आत्मा में रहना, अपने आप में रहना। अपने आप में रहने का मतलब अपनी आत्मा को समझना, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान सभी जीवों को समझना, सभी जीवों में अपनी आत्मा को देखना, अपनी आत्मा में सभी की आत्मा को देखना, अपने सुख में सभी का सुख देखना, सभी के सुख में अपना सुख देखना। बहुत गहरी परिभाषा है इसकी, इसको हम कहते हैं हार्ट लिविंग। हार्ट लिविंग अगर यह हार्ट लिविंग मेरी बहनों में, मेरी माताओं में आ जाती तो आज किसी का घर नहीं उजड़ता, क्योंकि आज सभी अपने अपने स्वार्थ में पड़ चुके हैं, अपने अपने महत्वाकांक्षाओं में पड़ चुके हैं। मेरा रुतबा होना चाहिए, मेरे कार्य में कोई बाधा डालना नहीं चाहिए, मुझको कोई रोका टोकी करने वाला नहीं चाहिए, मेरे ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं चाहिए, मुझे कोई रोकने वाला नहीं चाहिए, मेरी आजादी में कोई विघ्न डालने वाला नहीं चाहिए। यह फीलिंग है आप लोगों की, और इसी फीलिंग ने घर बार तोड़े हैं, इसी फीलिंग ने रिश्तों को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर किया है। लेकिन जो हार्ट लिविंग होते हैं, संवेदनशील होते हैं, संवेदनशीलता जिनके अंदर रहती है, ये पहला द्वार है धर्म में प्रवेश करने का। तभी मैं कह रहा हूं ये मूलभूत सूत्र क्यों, मैंने किसी आगम पर चर्चा क्यों नहीं की, मैंने इसलिए चर्चा नहीं की, हम धर्म ग्रंथों की चर्चा बाद में कर लेंगे, पहले धर्म की चर्चा तो कर लें, पहले धर्म को ही तो समझ लें। और इसी को हम नहीं समझा पाए, साधु संत भी बड़े बड़े आगमों को अपने प्रवचन का विषय बनाते हैं। मैं कहता हूं कि आगमों को विषय बाद में बना लेना, पहले आत्मा को विषय बना लो अपना, क्योंकि जो आत्मा मेरे पास है वही आत्मा सामने वाले के पास में है। आगम किसी को याद हो या ना हो यह कोई जरूरी नहीं, लेकिन उनको यह एहसास करा दो कि जैसी मेरी आत्मा है ऐसी तेरी आत्मा है, जैसी तेरी आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है। यह चीज, यह संवेदनशीलता है, इस संवेदनशीलता को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। और यह संवेदनशीलता जितनी गहराई में बढ़ती जाएगी, तो आप कह सकते हो कि इस संवेदनशीलता को या हार्ट लिविंग को मैं कैसे समझूं? इसका एक ही सूत्र है कि जिंदगी में मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। जिंदगी में ये हार्ट लिविंग की थिंक, ये हार्ट लिविंग में आती है बात, ये संवेदनशीलता का मंत्र है कि मैं अपनी तरफ से किसी का भी बुरा नहीं करूंगा, और जिसके साथ बुरा हो रहा है उस बुरे होते हुए को देखकर मैं दुखी हो जाऊंगा। दुखी होना, एक तो अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना, अगर हम किसी के ऊपर कोई बुरा हो रहा है हम पूरी तरह उसे बचा नहीं सकते, लेकिन उसके दुख में दुखी तो हो सकते हैं, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, उसमें तो कोई पैसा खर्च नहीं होता। किसी दुखी को देखकर दुख तो पैदा हो सकता है, किसी दुखी को देखकर तुम्हारे अंदर संवेदना तो जाग सकती है, किसी के दुख को महसूस कर तो सकते हो, और किसी के दुख को महसूस करके आप भी तो दुखी हो सकते हो, और उस दुखी होने की अवस्था में एक भाव तो निकल सकते हैं कि हे प्रभु तू मेरा भला कर या ना कर, लेकिन इसका भला जरूर कर, इसका दुख पहले मिटा, क्योंकि इसका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। यह फीलिंग तो आप ला सकते हो, यह फीलिंग मर रही है आप, अगर आप लोगों ने महसूस किया हो। इस फीलिंग को मारने में कहीं ना कहीं आपके ज्ञान ने सहयोग किया है, आपके धन के प्रति लोभ ने सहयोग किया है। लोभी व्यक्ति कभी किसी के दुख में दुखी नहीं होता, लालची व्यक्ति किसी के दुख में दुखी
नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति किसी के दुख में दुखी नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति वो हार्ट लिविंग में नहीं रहता, वो माइंड लिविंग में रहता है, वो दिमाग में रहता है, वो बुद्धि में रहता है। धर्म का पहला सूत्र है हार्ट लिविंग। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी के दुख में दुखी तो हो सकते, और ये तभी हो सकता है जब हम ये सोचे मैं अपनी तरफ से किसी को दुखी नहीं करूंगा। ये गांठ बांध लो आप, मैं किसी के साथ। इसको समझने के लिए मैं तीन सूत्र दे रहा हूं, धर्मा धर्म करने वालों के लिए तीन बातें बोल रहा हूं। एक अनुभवी ने कहा, एक संकल्प कर लो आप, हु इज हेल्पिंग डोंट फॉरगेट देम, जिसने मेरी सहायता की है, जिसने मेरा भला किया है, कम से कम मैं उनको कभी भूलूंगा नहीं। ये तो आप कर सकते हो, ये धर्म के संदेश हैं। हु इज हेल्पिंग डोंट फॉरगेट देम, मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा, जिसने कभी भी जाने अनजाने में मेरा क्या किया है, भला किया है, हेल्प की है, सहयोग दिया है, कम से कम मैं उनके साथ तो बुरा कभी नहीं करूंगा, जिसने हमारे साथ क्या किया है, भला किया है। दूसरा सूत्र, हु इज लविंग डोंट हेट देम, जो हमें प्यार करते हैं हम उनसे कभी नफरत नहीं करेंगे। जो हमको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हम उनसे तो कभी भी हेट यानी नफरत नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे। एक संकल्प, ये मैं श्रावकों की नहीं, संतों की भी भाव है ये इसके अंदर। संतत्व और श्रावक एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। सहायता करने वाले को भूलना नहीं और प्यार करने वालों के साथ नफरत करनी नहीं, चाहे उसमें मेरे गुरु हो, चाहे उसमें मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरा बड़ा भाई हो, चाहे मेरा छोटा भाई हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, जो हमें प्रेम करता है तो उनसे तो कम से कम नफरत तो करनी ही नहीं। उनके बीच, अपने बीच में कोई स्वार्थ नहीं आने देना, कोई मतलब नहीं आने देना, कोई महत्वाकांक्षा को नहीं आने दूंगा, ये मैं संकल्प लेता हूं अगर मुझे धर्म का आनंद लेना है तो। तीसरी बात, हु इज बिलीविंग डोंट चीट देम, जो हम पर भरोसा करता है हम उनको क्या नहीं करेंगे, चीट नहीं करेंगे, उनके साथ विश्वास घात नहीं करेंगे, जो हम पर भरोसा करते। ये सोच आप लोगों में जितनी मात्रा में बढ़ेगी, सच कहता हूं, जो हमारी हेल्प करता है ये हमारी पुण्यवानी है, नहीं तो कौन किसकी सहायता करता है जी, ये हमारी पुण्यवानी है कि कोई हमारा सहायक है। फिर हमारे लिए एक संदेश है कि हमारी विशिष्ट पुण्य ने किसी को हमारा सहयोगी बनाया। लेकिन मैं एक काम तो कर सकता हूं, उसके एहसानों को मैं हमेशा याद करूं। देखो धर्म के क्षेत्र में क्या गजब की बात है, एहसान करके भूल जाओ और एहसान करवा के कभी भूलना। किसी का भला करके तो भूल जाओ कि मैंने इसका भला किया, ये भूल जाओ, लेकिन भला करवा के कभी भूलना नहीं चाहिए। ये धर्म का संदेश है। दूसरा सूत्र, हाई थिंकिंग, वाह हाई थिंकिंग। पहला भेद हार्ट लिविंग, संवेदनशीलता, हार्ट लिविंग, याद कर लेना।
और केवल लिखना मत, लिख लो मैं मना नहीं करता, लेकिन किताब की बजाय हाँ प्रयोग करना इसका, क्योंकि किताब का लिखा हुआ भूल जाओगे, लेकिन आज से अगर इसको तुम प्रयोग में लाना शुरू कर दोगे तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। हम लोग बातों को याद रखते हैं लेकिन बातों को कभी काम में लाते नहीं। हमने उन बातों को अपनी स्मृति का हिस्सा तो बना लिया लेकिन अपनी संस्कृति नहीं बना पाए। स्मृति संस्कृति कब बने ये गौर करना, स्मृति को अपनी संस्कृति में बदलो। आपकी संस्कृति आपके संस्कार है, वो शास्त्रों को याद तो कर लिया लेकिन जीवन में तो लाओ, विचारों में तो लाओ। विचारशीलता दूसरा भेद है किसको, विशिष्ट पुण्य को विशुद्ध पुण्य में बदलने के लिए। हाई थिंकिंग, इसका मतलब क्या, आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और बताओ आपकी थिंकिंग हाई कब होगी, दो चीज है ये गौर करना। अगर आपके दिमाग को आपका दिल अगर हैंडल कर रहा है, रिपीट, अगर आपके मस्तिष्क को आपका हृदय अगर लीड कर रहा है, उसका नेतृत्व कर रहा है, तो इसकी सोच हाई हो जाती है, हाई थिंकिंग। अगर आपका दिमाग दिल से जुड़ा हुआ है तो अच्छा ही सोचेगा, ऊंचा ही सोचेगा। अगर आपके दिमाग ने आपके दिल को अपने कब्जे में ले लिया है, फिर गयो ठाकुर तो गयो, हाँ गई भैंस, हमारा धर्म भी गयो पानी में, और पानी में नहीं नाले में। पानी तो गंगा में भी होता है, गोदावरी में भी होता है, मानसरोवर में भी होता है, लेकिन हमारा धर्म गया गंदे नाले में। ये क्रियाकांड गए नाले में। कोशिश करना हाई थिंकिंग, ऊंची सोच, ऊंचे विचार। ऊंचे विचार में क्या है, सभी का भला सोचना, राइट, सभी का भला सोचना, हाई थिंकिंग। आपने ये तो सोचा कि मैंने इतने जनों को समाई करवानी है, ये तो तुमने सोच लिया, लेकिन ये तो नहीं सोचा मैंने इतने जनों को सुखी करना है। दोनों में सोच में तो अंतर आ गया। आपने ये तो सोच लिया मैं इतने जनों को प्रेरणा देकर इतनी समाई कराऊंगा, पर ये तो नहीं सोचा कि हम तीन भाई हैं, एक की हालत बहुत कमजोर है, उसको मैं अपनी ही तरह सेठ बनाऊंगा, ये तो नहीं सोचा आपने। सोचने को तो ये भी सोच सकते थे, जैसा मैं खाता हूं वैसा मेरा भाई भी खाएगा, जैसे महल में मैं रहता हूं जैसी शान में मैं रहता हूं ऐसी शान में मेरा छोटा भाई भी रहेगा, ये तो नहीं सोचा आपने। पांच पांच समाई करने की सोच ली और सैकड़ों समाई करवाने की प्रेरणा भी दे दी, हाथ जोड़ जोड़ के भी ले आए कि भैया समाई कर लो, समाई कर लो, समाई कर लो, पर ये तो नहीं सोचा कि मैं इतने जनों को सेठ बनाऊंगा। तुमने ये तो सोचा कि मेरे पास BMW होनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं सोचा कि मेरे पड़ोसी के पास भी BMW। बताओ बताओ, बल्कि उल्टा सोचते हो तुम, जो गाड़ी मेरे पास है, हाँ वेरी गुड, क्या बात, जो गाड़ी मेरे पास है वो गाड़ी किसी और के पास, ये सोचते हो। जैसी दुकान मेरी चल रही है ऐसी दुकान किसी और की, और मालूम है आचार्य कुंद कुंद ने जैन धर्म के सार को, निचोड़ को, एसेंस ऑफ जैन धर्मा,
जैन धर्म के सार को केवल दो पंक्तियों में लिपिबद्ध कर दिया, कलमबद्ध कर दिया। जम इच्छसी अपनतो, जम चम न इच्छसी अपनतो, तम इच्छ परस्विया एतियंगम जिन शासनम। जिन शासन की क्या परिभाषा की है गौर करना, जैन धर्म की क्या परिभाषा की है ध्यान देना है। जम इच्छसी अपनतो, जम यानी जो, इच्छसी यानी इच्छा करते हो, अपनतो अपने लिए, यानी जो तुम अपने लिए चाहते हो, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो। इट इज कंडीशन ऑफ रिलीजन, ये रिलीजन की शर्त है, ये धर्म की बुनियाद है, बुनियादी शर्त जिसको कहते हैं, पहली कंडीशन है ये धर्म की। कौन सी? कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो। इट इज कंडीशन ऑफ रिलीजन। ये धर्म की, ये केवल जैन धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे धर्म की बात कर रहा हूं। जो तुम अपने लिए चाहते हो, जब इच्छसी अपना, तो जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो। जम चम न इच्छसी अपना, तो जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो भी तुम दूसरों के लिए मत चाहो। एति यंगम जिन शासनम बाति खतम, यही जिन शासन है, यही जैनत्व है, यही धर्म का आंतरिक आत्मिक तत्व है। रिपीट करो क्या? जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो। आप अपने लिए क्या क्या चाहते हो? कोई मुझे गाली ना दे, कोई मुझे बुरा ना कहे, कोई मेरी निंदा ना करे, है ना, कोई मेरी बुराई ना करे, कोई मेरे साथ धोखा ना करे, यही तो। कोई मुझे गाली ना दे, कोई मेरे साथ बुरा ना करे, ना कोई मुझे धोखा देवे, यही तो तुम चाहते हो। बस इसको रिपीट कर लो कि जब मैं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ बुरा ना करे, तो मैं पहले शुरू करूं ना कि मैं तो कम से कम किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। कि जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही मैं दूसरों के लिए चाहूं, मैं भी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, मैं भी किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं भी किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं भी किसी की टांग नहीं खींचूंगा, मैं भी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं भी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। और आपको एक गहरी बात बताऊं, कितना बड़ा पियक्कड़ क्यों ना हो, पियक्कड़ समझ गए, कितना बड़ा शराबी क्यों ना हो, शराबी भी नहीं चाहता कि मेरी लड़की को शराब पीने वाला देख लो। यार तुम चाहते हो तो मैं कह नहीं सकता, मतलब शराबी व्यक्ति भी नहीं चाहता कि मेरी लड़की को शराब पीने वाला पति मिले। इसका मतलब तुम बुरा मानते होंगे शराब को। तो आप ये मेथड अपने जीवन पे अप्लाई करो। जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो फिर कोई तुम्हारी बुराई करे तो कम से कम तुम बुरा तो मत मानो कि भाई जब मैं ही बुराई कर रहा हूं, कोई मेरी बुराई कर रहा है तो फिर बुरा मानने की क्या जरूरत है? जैसा वो वैसा मैं, जैसा मैं वैसा वो, फिर बुरा क्यों? हम तो दोनों भाई भाई हो गए, फिर तो हम दोनों बहने बहने हो गए, फिर क्यों? ये समय हो रहा है, इसके दो तीन सूत्र और हैं, उसकी चर्चा कल फिर कर लेंगे, कोई जल्दबाजी तो है नहीं है? अब तो 96 डेज रह गए हैं, नहीं बाबा नहीं गिरता, ये बाबा तो सभी को उठाने वाला है। क्या बोला मैंने अभी, कितने दिन रह गए? 96 डेज, 96 दिन रह गए, 24 दिन गए, 120 दिन में से
सोचते रहना, आज नहीं तो कल सुन लेंगे। पर लेकिन हमने इन दिनों का उपयोग करना है, बाकी की चर्चा फिर करेंगे। मैं बात को, आप ये सोच सकते हो कि महाराज बात को बहुत लंबा खींचते हैं, सोचते हो? मैं लंबा नहीं खींचता, मेरा एक प्रयास है कि आपके दिल तक छू जाए। बस आप नकली धर्म करने वाले ना रहो, आप सचमुच ट्रूली रियली रिलीजियस बन जाओ, वास्तविक धर्म धर्मात्मा बन जाओ। अगर इस चौमासे में भाई भाई के बीच में जो गांठ पड़ी हुई थी अगर वो खुल गई ना, तो सच ये चतुर्मास सफल हो जाएगा। जितनी राजनीतिक खोपड़ियां हैं टांग खींचने वाली, उन खोपड़ियों में से ये चालबाजियां अगर चौमासे में निकल गई ना, सच कहता हूं समाज का बहुत भला हो जाएगा, समाज बहुत संतुलन में आ जाएगा। अपने स्वार्थ में लोगों को इस्तेमाल करने की भावना अगर तुम्हारी निकल गई ना, तो सच कहता हूं चतुर्मास ऐतिहासिक हो जाएगा। अगर बहू को सास से, सास को बहू से सच्चे दिल से प्यार हो गया ना, तो सच कहता हूं चतुर्मास सफल हो जाएगा। देवरानी और जेठानी के बीच में सगी बहनों के जैसे प्यार हो गया ना, तो सच कहता हूं चतुर्मास सफल हो जाएगा। तुम तपस्या नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, मत करो, लेकिन कम से कम अपनी अंदर की गांठ तो, क्योंकि महाराज तपस्या करवा लो चाहे कितनी, लेकिन गांठ खोलने की बात, उससे बोलने की बात करना ही मत। मुझे वो चेहरा पसंद ही नहीं है, मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, लेकिन उसका चेहरा देखना पसंद, ये जो अंदर जहर भरा, इस जहर के साथ कहां जाओगे आप? सच कहता हूं इस जहर के साथ अगर तुम मर गए ना, तो सदगति मिलने वाली नहीं है, हमें कहीं ना कहीं दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि भगवान महावीर को मानने वाले भाई बहन या साधु साध्वी मर के दुर्गति में जाएं, क्योंकि आपकी सोच दुर्गति में ले जाएगी, आपके भाव दुर्गति में ले जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं, एक ही गुजारिश करता हूं और एक ही ख्वाहिश रखता हूं, एक ही तमन्ना ही रखता हूं मैं कि मेरी समाज के भाइयों के बहनों के बीच में आपसी तालमेल बढ़े, चंद स्वार्थ के पीछे टांगों की खिंचाई ना हो, नीचे दिखाने की कोशिश ना करे, ये ना करे कि ये चतुर्मास करवा रहे हैं तो इनके अंदर कोई कमी निकल जावे ताकि हमको मौका मिले इनको जलील करने का, ये भाव मत लाइए। अगर ये भाव भी ला रहे हो तो महावीर के उपासक नहीं हो, महावीर के साधक नहीं हो, महावीर के श्रावक नहीं हो, किसी शैतान की औलाद हो सकते हो, किसी शैतान के उपासक हो सकते हो। कम से कम जैन धर्म को मानने वाले शैतान की पूजा तो ना करें, भगवान की पूजा करें, महावीर की पूजा करें। उसकी पूजा करने वाले हैं हम कि जिनके कानों में कीले ठोक रहा था जो ग्वाला, उसके लिए भी करुणा के आंसू आ रहे थे, ये वो धर्म है हमारा। और ये तभी होगा जब हाई थिंकिंग, जब विचारशीलता चरम अवस्था में होगी, तब होगा।